नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। फरुखाबाद लोकसभा से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कल संसद में फरुखाबाद के जनपद वासियों के लिए एक नई ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री से मांग की है। संसद में इस मांग के लिए जनपद वासियों ने खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कल संसद में कानपुर से होते हुए बाबा खाटू श्याम तक एक नई ट्रेन चलाने की मांग कर रेल मंत्री से की है और बताया है कि फरुखाबाद से बड़ी संख्या में माह के महीने में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं। फरुखाबाद से बाबा श्याम खाटू तक कोई ट्रेन ना होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर रेल मंत्री ट्रेन फरुखाबाद होकर खाटू श्याम तक जाती है इसका ऐलान कर दे तो यात्रियों को बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने में काफी सहूलियत होगी। साथ ही संसद में मुकेश राजपूत ने कल सांसद में बता दें कि नई ट्रेन चलाने की मांग करते हुए संसद में रेल मंत्री से करते हुए नजर आए हैं। वहीं आगरा में G20 देशों का बता दें कि डिलेक्शन खेड़िया एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां पर डिलेक्शन में 100 से 125 लोग शामिल थे। और बता दें कि इस डेलीगेशन में 100 से 25 लोग शामिल थे। G20 डेलीगेशन का रॉयल स्वागत किया गया है ब्रिज। बता दें कि इस दौरान शहनाई, पुष्प वर्षा, गुब्बारे के साथ छोटे छोटे बच्चों ने डेलीगेशन में स्वागत करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद से बग्गियों में एयरपोर्ट से बाहर डेलीगेशन निकाला गया है। बता दें कि जगह जगह पर देश की संस्कृति से रूबरू कराने की संपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। गोरखनाथ थाना क्षेत्र बता दें कि हमुयारपुर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में ई रिक्शा से पहुंचने को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये व्यक्ति झंडे से ई रिक्शा को पोंछते हुए नजर आया है और ये बता दें कि ये पूरा मामला गोरखपुर से है, जिसके बाद से यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो के संबंध में SP सिटी ने बताया है कि जनपद गोरखपुर की सोशल मीडिया पुलिस ने बता दें कि गोरखनाथ पुलिस ने बताया है कि व्यक्ति अपना ई रिक्शा और साथ ही ड्राई कलर के तिरंगे से पोंछता हुआ नजर आया था। किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना को लेकर गोरखनाथ थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये तस्वीर जहां पर एक व्यक्ति झंडे से ई रिक्शा को साफ करता हुआ नजर आया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कल जनपद गोरखपुर पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा थाना गोरखनाथ को बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि अपना ई रिक्शा एक ट्राई कलर तिरंगा से साफ कर रहा था और उससे एक व्यक्ति ने पूछा भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना गोरखनाथ द्वारा तुरंत उस ई रिक्शा का नंबर ट्रेस कर ई रिक्शा को बरामद कर लिया गया है एवं जो अभियुक्त है वो अभी फरार है। उनके खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है एवं उसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा जाएगा। अभियुक्त उत्तरी हुमायूंपुर गोरखपुर का ही गोरखनाथ थाना अंतर्गत रहने वाला है और लेकिन अभी वो वर्तमान में फरार है और उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। झांसी के मोरौनीपुर के मोहल्ले शिवगंज में दिल्ली निवासी सीता पत्नी राजकुमार विगत दिवस पर शाम लगभग 4 बजे पानी भरने के लिए जा रही थी, तभी मोहल्ले में सड़क पर खड़ी गाड़ी हटाने के लिए मोहल्ले में रिंकू व बता दें कि पुत्र दामोदर से बोले कि मोहल्ले में अजय पुत्र जयप्रकाश बिना वजह गाली गलौज करता लगा, जिसकी वजह से शिकायत शिवगंज पुलिस चौकी में की गई है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर शिकायत से गुस्साए अजय ने दिल्ली निवासी सीता के साथ मारपीट करने लगे। जब मोहल्ले का रिंकू बचाने आया तो दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
अब खबर ललितपुर से है, जहां पर गंगाराम निवासी नथली खेड़ा किराने की दुकान में चलता था, उसकी लाश बता दे कि गांव के ही तालाब के किनारे मिलने से हड़कंप समझ गया। पुलिस ने विगत 3 जनवरी को अवैध शराब का कारोबार करने के चलते गिरफ्तार किया था और लगातार पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए रुपये की मांग कर रही थी। वह बताया जा रहा है कि गंगाराम और एक व्यक्ति साथी ये दोनों अपनी ही दुकान पर शराब पी रहे थे। जब पुलिस ने गंगाराम को पकड़ा तो पुत्र की माने तो गंगाराम लगातार मानसिक उत्पीड़न सह रहा था और मानसिक रूप से उत्पीड़न इतना बढ़ गया था कि गंगाराम ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महोबा में एक पूर्व सैनिक के बंद पड़े मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आभूषणों से भरे लॉकर को चोर करके बता दें कि लॉकर से चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। लॉकर में तकरीबन 50 लाख रुपए कीमत जेवर रखे हुए थे। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इस दौरान लगातार मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चोर की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। इसमें एक अखिलेश त्रिपाठी जी का मकान है, ये पिछले एक महीने से बंद था। मकान मालिक दिल्ली गए हुए थे, जो सूचना मिली है इसमें कल रात में कुछ चोर आकर के ताला तोड़ करके चोरी किए हैं। घटना के अनावरण के लिए हमने स्वाट टीम को और सर्विलांस टीम को इसमें एक्टिवेट कर दिया है। अपनी फील्ड यूनिट को भी हमने यहाँ पर जो कार्रवाई करानी थी वो भी हमने करा ली है और इसमें टीम बना दी और शीघ्र घटना का इसका अनावरण किया जाएगा। हमारे यहाँ बगल में बड़े भाई रहते हैं श्री अखिलेश त्रिपाठी, उनकी यहाँ चोरी हो गई है। 11 जनवरी को भाभी की तबीयत खराब होने के कारण वो दिल्ली ले गई थी, वहाँ एडमिट हैं और आज रात में चोर ताला तोड़ करके अंदर घुस गए हैं, तो नकदी जो भी है और हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन भतीजे से दूरभाष के द्वारा फोन से पता चला है कि 40-50 लगभग माल चला गया है। छोटा हाँ 40-50 लाख का और छोटा लॉकर भी अलमारी में रखा था, सफ़ेद अलमारी में, वो भी ले गई है। झांसी के गुसराय थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मडौड़ी से ई रिक्शा में 9 लोग सवार होकर ग्राम रनियारा में एक त्रयोदशी में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अचानक रिक्शा रनियारा के पास मझौला पुलिया के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिस दौरान घायलों में चीख पुकार मच गई, जिन्हें राहगीरों द्वारा डायल 108 की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुसराया भेजा गया, जहां पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। रायबरेली के तेज तरार पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के सख्त तेवर के आगे अपराधी और माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चाहे जितना बड़ा अपराध हो, पुलिस के चंगुल से उनका बचपना बता दे बचकाना बचपाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। ताजा मामला बछुरावा थाना क्षेत्र के बता दे कि देवा पुत्र ओम प्रकाश निवासी सब्जी मंडी कस्बा के बछरावा पुलिस ने धर दबोच लिया है, जिससे ऊपर से सावन किन्नर नाम की महिला के जेवर लूटने के आरोप थे। वहीं सिविलाइंस टीम ने एसओजी और साथ ही बछरावा थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद अपराधी को पकड़कर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के सामने पेश किया, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। देखिए, बछावा थाना क्षेत्र में एक सावन नाम की एक न्यूट्रल जेंडर की एक महिला है, उनके यहाँ ये व्यक्ति देवा नाम का काम करता था, उनका हाउस होल्ड हेल्प था और उन्होंने एक दिन किसी कार्यक्रम से आकर के एक थैले में उसको कुछ जेवर दिए रखने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास उस पर था। लेकिन इस व्यक्ति देवा ने, जो बछावा का रहने वाला है, उसने उनके जेवर से कुछ जेवरात निकाल लिए और कुछ पैसे थे वो निकाल लिए और ले आकर के उसने अपनी माँ को दे दिया। जब उनको इस बात की शिकायत मिली तो उन्होंने उसको चार्ज किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा लिखा, पूछताछ करके ये पता लगा लिया कि इसने वो जेवर अपनी माँ के मार्फत कहाँ बेचा है। झांसी के गढ़वई में ग्राम चौपाल के आयोजन के प्रधान में बता दें कि प्रधान और सचिव के विवाद का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें सचिव की मनमानी से नाराज ग्रामीणों ने चौपाल में सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं प्रधान और ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव के मनमाने रवैये से आपस
आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीडीओ की मौजूदगी में चौपाल का आयोजन हो रहा है। वहीं गरोठा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़वई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया जनपद के इरवा कटरा थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में चोरों के निशाना बनाया गया है। चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने में पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह स्कूल प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा पुलिस को चोरी की सूचना दी गई थी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की खोजबीन में जुट गई है। क्या नाम है आपका? जी सचिंद्र मोहन शुक्ला, प्रधानाध्यापक एरवा कटरा प्रथम। क्या घटना हुई आज आपके स्कूल में? आज सुबह जब मैं स्कूल आया तो गेट खोल के जब मैं अंदर आया तो देखा कि रसोई का ताला चोरों ने रात में तोड़ दिया था और उसमें सेंटर लॉक लगा हुआ था, सेंटर लॉक भी तोड़ दिया। उसमें रखा हुआ सामान, सिलेंडर, भगौने, थाली, गिलास, सारी चीज़ें, गेहूँ, चावल सब लाद ले गए। चोरों ने प्रयास किया, पास में एकदम ब्लॉक संसाधन केंद्र का ऑफिस है, उसका ताला तोड़ने का प्रयास किया। गुरसराय से 1.5 किलोमीटर मेन एरज रोड स्थित बाबा मंदिर क्रॉस से गुरसराय आ रहे उक्त मंदिर के पुजारी भगवान सिंह के पुत्र बता दें कि स्वर्गीय पलराम, जिसकी उम्र 45 वर्ष, साइकिल से गुरसराय आ रहे थे और सड़क पर आते समय एरज की तरफ से बेकाबू तेज गति में आ रही विजय सुपर बस और बस ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बस के ऊपर से कुचलते हुए तेज गति से भाग गई। मथुरा में कल्पतरु कंपनी के नाम से धोखाधड़ी करने के 6 गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बता दें कि कल्पतरु कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर धन अर्जित करने वाले आगरा के TDICT निवासी गैंगस्टर राजकुमार यादव सहित 5 लोगों की करीबन 82 लाख 72 हज़ार की संपत्ति कुर्क करते हुए आदेश दिए गए हैं। वहीं धारा 14 के तहत कार्रवाई भी की गई है। गोरखपुर के GRP पुलिस ने उक्त बड़ी सफलता हासिल की है, जहां मुखबिर की सूचना पर आधार पर ट्रेनों में यात्रियों के साथ डकैती और लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक गैंग को पकड़कर लूट की वारदात का पर्दाफाश किया गया है। दरअसल गोरखपुर से बिहार आ रही जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की निशाना बनाया गया और उसके साथ लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 सदस्यीय के गैंग को GRP पुलिस ने पर्दाफाश किया है। और आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान GRP थाना प्रभारी विजय प्रताप ने बताया है कि गैंग गोरखपुर में ट्रेन में चढ़ता था और यात्रियों के बीच गुट बनाकर मौके पर मिलते ही उनके सामने हाथ साफ कर ट्रेन से कूद जाता था। हमारे यहाँ दो साथी अभी पकड़े गए हैं, जो अपने साथियों के साथ, दो और साथियों के साथ मिलकर के ट्रेनों में लूट और चोरी की घटनाएं कारित करते थे। ये लोग छावनी क्षेत्र से ट्रेनों पर चढ़ जाते थे, देवरिया, भटनी और गोरखपुर जो यात्री चलते थे उनके बैग लेके कूद जाना, उनकी मोबाइलें छीन लेना, इस तरह की घटनाएं कारित करते थे। आज उनके पास से 7 मोबाइलें, एक टैबलेट और 15,500 रुपए बरामद हुए हैं और वो गिरफ्तार होकर के जेल भेजा जा रहा है। अभी तक कितनी घटना को इन्होंने स्वीकार किया जो इस तरह अंजाम दिया? इनके द्वारा 5 घटनाएं स्वीकार की गई हैं और इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और इनके द्वारा कितनी घटनाएं और कारित किए हैं, लेकिन अभी तक 5 घटनाओं को उन्होंने स्वीकार किया है जिसके संबंध में माल बरामद हुए हैं। इनकी गैंग का सरगना प्रिंस उर्फ मोनू है, जो इस वक्त फरार है। इसकी वर्तमान लोकेशन आसाम दिखाई दे रही है, घटना के बाद से फरार है। ये लोग रहते कहाँ हैं? ये लोग छावनी क्षेत्र में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। गोरखपुर में बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर विदेश भेजने की आड़ में उससे ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं भोले भाले लोगों को धोखाधड़ी करने वाले इन दोनों शातिरों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उन्हें अन्य साथियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है और जल्द ही गिरफ्तार किया है। 3 लोगों में 1,90,000 रुपये की अभी तक की ठगी का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इनके पास से
63 पासपोर्ट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, पैन कार्ड समेत तमाम चीजें बरामद की है। जनपद गोरखपुर में कुछ दिन पूर्व पुलिस ऑफिस में कुछ नवयुवकों द्वारा आकर के शिकायत किया गया कि उनको विदेश भेजने के नाम पर उनसे पैसे ठगे गए हैं। ना ही उनको विदेश भेजा गया है और ना ही उनकी वहां पर नौकरी लगाई गई है। इस घटना या इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक इंक्वायरी करने के बाद जनपद गोरखपुर के थाना कोराबार में दो अभियोग 11/2023 और 18/2023 जो हैं वो पंजीकृत किए गए। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। ये जानकारी में आया कि इसमें कुछ लोगों द्वारा स्काई ट्रेवल्स नाम से एक वहां पर एजेंसी खोली गई थी जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगती थी, उनके पासपोर्ट्स रख लेती थी और उनको नौकरी दिलाने की एवज में टूरिस्ट वीजा लगाकर बाहर भेजने का प्रलोभन देती थी और जब उनको बाहर जाना होता था उससे जस्ट पहले उनकी टिकट कैंसिलेशन करा के उसके भी पैसे हैंक लेती थी। इस घटना की विवेचना के क्रम में तीन और मुकदमे 105/2023, 106 और 108 जो कि वादी इनके द्वारा ठगे गए थे उनके द्वारा पंजीकृत कराए गए। इस घटना से संबंधित तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज पुलिस द्वारा की गई है। इसमें खोराबार पुलिस और SOG की टीम द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है जिसमें जमील खान और खुर्शीद अंसारी जो कि देवरिया के रहने वाले हैं और इसका साथ ही दिनेश पासवान जो कि सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके द्वारा जो पैसे लिए जाते थे वो एक बनारस में एक व्यक्ति है उसके अकाउंट में लिए जाते थे जिसको ये 3% कमीशन देते थे, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके एक दो अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी आई है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इनकी अरेस्टिंग के बाद इनके कब्जे से 63 ऐसे पासपोर्ट रिकवर हुए हैं जो कि इन्होंने नई एजेंसी स्टार ट्रैवल के नाम से पिपराई क्षेत्र में जो बनाई थी उनको ठगने के लिए उनके पासपोर्ट इनके द्वारा डिटेन किए गए थे। इसके साथ इनके काम में इनके यूज होने वाले लैपटॉप्स और अन्य उपकरण भी इनके यहाँ से रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी दो इनके यहाँ से रिकवर हुए हैं। इसी के साथ साथ आगे चल करके ऐसे और हमारे नवयुवक इस तरह की चीज़ों में ना फंसे या इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो इसके लिए जागरूकता का भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्थान है। इस बारे में मैं सभी नवयुवकों से कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा यूपी के गाजीपुर से अगली खबर है जहां पर नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही शासन की ओर से एक नई योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत अब ग्रामीणों में अपनी समस्या के लिए अधिकारियों के दरवाजे नहीं खटखटाने होंगे। अपनी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत में लगने वाले चौपाल में ही हल की जाएगी और साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की लगातार बड़े पैमानों पर पहुँच गए शिकायत को देखते हुए शासन ने अब ग्राम पंचायत चौपाल आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। इसी क्रम में करंडा ब्लॉक के सहरी ग्राम सभा में ग्राम चौपाल लगाकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष यादव, सचिव श्याम सैनी के मौजूदगी में BDO करंडी और विशेष बता दें कि ब्रिजेश कुमार अस्थाना ने गंभीरता से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। का उद्देश्य है गांव की समस्याओं को जानना और उस समस्याओं पे कार्य को लेकर आगे बढ़ना। पहली बार लग रहा है आपके ग्राम सभा में? जी। सर प्रधान जी बताइए आपके पंचायत भवन में चोरी की घटना अधिकतर हो रही है? अधिकतर करीबन 2-3 बार हो चुकी है जिसमें टोटियां तोड़ी जाती हैं और बड़े बड़े ये MCB बॉक्स तोड़ जाते हैं, पंखे चुरा लिए जाते हैं और टेबल कुर्सी उठा ले जाते हैं लोग। इसकी शिकायत आप नहीं करते हैं? शिकायत कई बार एप्लीकेशन थाने पर दिया गया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि कल तक परसों तक करवाई जाएगी लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक पूर्ण रूप से हम उस पर मतलब संतुष्ट नहीं हो पाए। ग्राम पंचायत ये स्वच्छता मिशन के तहत ODF प्लस के रूप में भी चयनित है और ग्राम चौपाल का मुख्य उद्देश्य जो ग्रामवासी ब्लॉक में, तहसील में, जिले पर अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, सरकार की मंशा यह है कि हम उनकी समस्या गांव में ही समाधान करें और उनकी शिकायत यहां दर्ज की जाती है। जो समस्या का समाधान यहां संभव है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं, उसका निस्तारण करते हैं और जो समस्याएं
अन्य चीजों से संबंधित है जिसका निस्तारण बाद में हुआ है, उसको लिए हम समय देख करके संबंधित को निश्चित करते हैं। श्रावस्ती के भिगना कोतवाली अंतर्गत बता दें कि ललितपुर हरैया में मामला सामने आया है, जहां पर मशीन के फट्टे से पटाखे की फंस कर एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि पट्टा चढ़ते समय यह युवक हादसे का शिकार हो गया है। अस्पताल ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में बिना नक्शा पास कराए मकान के बेसमेंट के लिए चली, बता दें कि चल रही खुदाई के दौरान एक युवक का दो मंजिला पक्का घर भरभरा कर गिर गया। वहीं बता दें कि इससे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं परिवार बाल बाल बच गए हैं, जिसके बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरा मामला सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। देखिए, अभी जो पता लगा है कि अजय प्रताप सिंह का ये दुकान थी, उसके ऊपर एक किराएदार भी रहते थे और उसी के बगल में एक सुरोज त्रिवेदी नामक व्यक्ति बेसमेंट खोद रहे थे। ये मकान लगता है ठीक से नहीं बना था, उस बेसमेंट की खुदाई की वजह से आज ये गिर गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है, उसमें कोई मौजूद नहीं था। अभी हम लोग इसको प्रयास करेंगे जल्दी से इसका जो भी मलबा है हटा करके जो किराएदार थे उनका सामान उनको मिल जाए और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तक क्या कोई शिकायत वगैरह भी इन लोगों ने कभी की थी? जैसे बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, इन लोगों का कहना है शिकायत वगैरह भी है, रोका वगैरह भी था, इसमें कोई अपराधी मामला भी आप लोग? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।